हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हाजिर हूँ नए क्लास के साथ। इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप बीएससी 504 के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है, कमर्शियल यूटिलिटी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। मीन्स जो हमारे प्लांट हार्मोन हैं उनका कमर्शियली कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। तो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि हमारे पास बहुत तरह तरह के हार्मोन्स हैं, और उनमें से कई सारे जो हार्मोन्स हैं वो वेजिटेबल प्रोडक्शन में स्पेसिफिक वर्क और स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इसे हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें से जो सबसे पहला है उस क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ फ्रूट सेट। जो फ्रूट सेट को बढ़ाना, स्टिमुलेट करना, उसको बढ़ाना। कई किसी किसी क्रॉप में क्या होता है कि आपने देखा होगा फूल, और जो फूल आने के बाद फल, छोटा सा फल बनता है, वो जल्दी ड्रॉप हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ हार्मोन्स का यूज करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हमारे पास। पुअर फ्रूट सेट इज मेजर प्रॉब्लम इन सोलेनियम क्रॉप्स। दोस्तों, सोलानेसी से जो क्रॉप हैं उनमें ये मेजर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि टमाटर, ब्रिंजल, चिल्ली, कैप्सिकम वगैरह सभी आते हैं। तो टमाटर्स में क्या है, 4-CPA और 2,4-D यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही ऑक्सीजन हैं, 4-CPA और 2,4-D, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं। याद रखो कैसे हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं। तो इनको क्या करते हैं, और PCPA, ये 2 से 5 PPM है, और PCPA जो है 50 से 100 PPM है। एनहेंस द फ्रूट सेट एंड अर्लीनेस। फ्रूट सेट मीन्स नंबर ऑफ फ्रूट बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा लगेंगे, ईल्ड ज़्यादा आएगी, और अर्लीनेस जल्दी, अर्ली हमें जल्दी ईल्ड प्राप्त हो जाएगी। मान लो कि अगर हमारी फर्स्ट पिकिंग 40 दिन में हो रही है, तो हमारी 35 दिन में शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका पहलू है। दूसरा, इनिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग मीन्स जो है ना, स्प्राउटिंग को इनिबिट करने के लिए, रोकने के लिए एप्लीकेशन ऑफ मैलिक हाइड्राजाइड 2500 PPM, 15 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग, प्रिवेंट द स्प्राउटिंग ऑनियन इन स्टोरेज। आपको मालूम है कि जो ऑनियन का हार्वेस्टिंग, जिनको स्टोर करना होता है, अगर प्याज को स्टोर करना होता है, तो जो हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले ही उसमें क्या करते हैं, मैलिक हाइड्राजाइड अप्लाई कर देते हैं, कितना, 2500 PPM। तो वो जो है ना, उसका स्पॉटिंग रुक जाता है स्टोरेज में। सोकिंग पोटैटो ट्यूबर इन IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड में अगर डालते हैं हम 250 से 1000 PPM में, तो इसमें क्या होता है, प्रोलॉन्ग्स डोरमेंसी, डोरमेंसी इसकी बढ़ जाती है, एंड थायोरिया 1% ब्रेक द ट्यूबर डोरमेंसी। ये यहाँ पर देखो, ये बढ़ा रहा है, और ये थायोरिया क्या कर रहा है, इसको घटा रहा है। हाँ, जीए भी यूज करते हैं दोस्तों, इसमें नहीं दिया है, जीए भी यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो थायोरिया का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ट्यूबर की ब्रेकिंग, जब हम लोग स्विमिंग करने के लिए पोटैटो को कोल्ड स्टोर से बाहर निकालते हैं, तो उसमें बहुत डोरमेंसी रहती है। तो उस डोरमेंसी को ब्रेकिंग क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1% थायोरिया और 1% भी GA3 जो होता है ना, उसका सॉल्यूशन यूज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसका जो नंबर है, फ्लावरिंग। तो दोस्तों, फ्लावरिंग जो होता है, तो जो एप्लीकेशन ऑफ जीए, जिब्रेलिक एसिड, एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड जो क्या करता है, फ्लावरिंग को इंक्रीज करता है 50 ग्राम पर लीटर टू यंग लीव्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग वैरायटी ऑफ पोटैटो। अगर मान लो कि हमको पोटैटो के टू पोटैटो सीड्स बनाना है, तो हम लोग क्या है उसमें, जीए स्प्रे करते हैं, इससे क्या उसमें फ्लावरिंग हो जाती है। वेन फ्लावर बड्स हैड जस्ट फॉर्म्ड, रिजल्ट इन द फ्लावर इंडक्शन इन ऑल वराइटीज। तो इसमें क्या होता है कि हम जो जिब्रेलिक एसिड है, ये दोस्तों
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, लॉन्ग डे में भी जल्दी फ्लावरिंग कर देता है। दूसरा जो हमारा इसमें फ्लावरिंग के लिए मेलिगहाड्रियाट डिलेड फ्लावरिंग इन ओकरा, ये क्या करता है कि ओकरा में फ्लावरिंग को लेट करता है। डिले करना मतलब लेट करना, मेलिगहाड्रियाट। देखो दोस्तों, इनके यूजेज आपको पूछे जा सकते हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, और ये हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो कि इतनी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है, सच में इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो दोस्तों मेलिगहाड्रियाट का भी अपन ने एक यूज़ और पढ़ा था कि 15 दिन पहले अगर हम इसको ओनियन के फील्ड में अप्लाई कर देते हैं हार्वेस्टिंग के, तो उसका क्या कहते हैं, स्प्रोटिंग को रोकता है, क्या करता है जो स्पॉटिंग को रोकता है। जी हैज बीन रिपोर्टेड इन द इंड्यूस अर्ली अर्ली फ्लावरिंग इन लेट्यूस। तो ये क्या करता है दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड लेट्यूस में भी अर्ली फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों लेट्यूस में एक बहुत अच्छी होता है कि लेट्यूस में क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। आप इसको याद रखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिस जाती है। तो क्या है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्लिस्टोगेमी को याद रखिए। किसमें पाई जाती है? लेट्यूस में पाई जाती है। अब आपको हम बताते हैं कि हमने अभी जिब्रेलिक एसिड को सबसे पहले किसने और कहाँ पर डिस्कवर किया था, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और देखते हैं कितने लोग इसमें, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सीड जर्मिनेशन। अब हम ये देखेंगे इसमें कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं सीड जर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्री सोकिंग ट्रीटमेंट ऑफ सीड विथ ग्रोथ रेगुलेटर्स हैज बीन रिपोर्टेड टू नेहित सीड जर्मिनेशन। उसमें क्या करा, प्री सोकिंग। प्री सोकिंग का मीन्स ये होता है कि भैया उसको सोविंग से पहले है ना, प्री सोइंग जो सोइंग से पहले है, इसको हार्मोन्स में डिप कर दो, या उस पर हार्मोन्स का लेयर एज ए पाउडर फॉर्म में डाल दो, या स्प्रे कर दो, या डिप कर दो। ये सब बहुत सारे एप्लीकेशन की मेथड हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उसकी सीड कोट होता है उसमें परमिलिटी बढ़ जाती है और सीड्स जल्दी उगाते हैं। तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होता है और अच्छा जर्मिनेशन होता है। अगर कैपेसिटी 70% है तो लगभग ये मान लो कि 95% तक सीड जर्मिनेट हो जाता है। दूसरा ओकरा में IAANA 20 PPM जो है ना, ओकरा भिंडी में इंडोलेसिटिक एसिड और NA डालते हैं, तो जो क्या है जर्मिनेशन को इनहेंस करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या इंडोल थ्री एसिड के एसिड, नेपथिलीन एसिड के एसिड, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि इस जर्मिनेशन को बढ़ा देते हैं। दोनों ही ऑक्सीजन हैं। इन टोमेटो हायर जर्मिनेशन विद GA38.5 mg/L एंड 248.5 mg/L रिपोर्टेड। टोमेटो में ऐसा देखा गया है कि GA3 का अगर 0.5 mg/L में, और ये डोज है GA3 का, और 240 का 0.5 mg/L में अगर अपन ऐसा यूज करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, 0.5 जो ग्राम है, आधा ग्राम 1 लीटर पानी में इसको घोल लें, डिस्टिल वाटर में, और इसका अगर अपन लिक्विड बनाए तो इसका काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। दूसरा ये दोस्तों कि सोकिंग ऑफ सीड इन इथेफोन एट 480 mg/L ऑफ 24 आवर इम्प्रूव द जर्मिनेशन इन मस्क मेलन, बोटलगार्ड, स्क्वैश मेलन, वाटर मेलन एट लो टेम्परेचर। दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है कुकुरबिट्स के बारे में। किसके बारे में? कुकुरबिट्स के बारे में बता रहा है कि जो अगर सीड को इथेफोन में सोक कर दो 480 mg/L वाले में, कितना 480 mg में है दोस्तों, देखो एक ग्राम में नहीं, 480 mg/L ऑफ वाटर में। तो ये क्या है दोस्तों, इसको 24 घंटे के लिए आपको डिप करके रखना है। इससे क्या है, जो मस्क मेलन, बोटल गार्ड है, इसको शे मेलन, वाटर मेलन में ये लो टेम्परेचर पे बहुत जल्दी अच्छा जर्मिनेशन बढ़ाता है।
अब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बोटल का साइंटिफिक नेम क्या है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्लीज़ जल्दी कीजिए, देखते हैं कितने लोगों के आंसर्स आते हैं। सी डोरमेंसी, दैट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। तो दोस्तों सी डोरमेंसी ये होती है कि ये इसकी सुप्त अवस्था होती है, मीन्स इसमें क्या, इसकी फिजियोलॉजी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, मीन्स उसमें एक्टिविटी कम हो जाती है। जब किसी चीज़ की एक्टिविटी कम हो जाती है तो हम बोलते हैं डोरमेंसी में है क्या, तो मीन्स जब उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसको वो जैसे सीट की एक्टिविटी कम हो गई, मीन्स उसमें रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो वो डोरमेंसी होती है, उसमें डोरमेंसी रहता है। तो आपको हमने पहले पढ़ाया था कि डोरमेंसी मेंटेन हार्मोन कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब हम आगे बताते हैं, पोटेटो ट्यूबर फेल टू स्प्राउट बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड इसी को बोलते हैं दोस्तों डोरमेंसी को। डोरमेंसी क्या है, तब तो उसमें एक्टिविटी नहीं होती है, वो आराम की अवस्था है। केमिकल रिपोर्टेड टू ब्रेक द रेस्ट पीरियड आर, मैंने आपको बताया था कि जो जिब्रेलिक एसिड है वो है इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन है थायूरिया। अभी जस्ट इससे पहले अपन पढ़े हैं कि जो अपनी आलू की डोरमेंसी है किस किस से ब्रेक होती है, जीए से होती है 1% से, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन से होती है और थायूरिया 1% से होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जिब्रेलिक एसिड, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन एंड थायूरिया, ये तीन इंपॉर्टेंट केमिकल हैं पोटैटो की डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। आपको मालूम है कि पोटैटो में बहुत लंबी, लगभग 8 वीक तक, 8 वीक तक उसमें इतनी लंबी डोरमेंसी पाई जाती है। अगर कोल्ड स्टोर से निकालने के बाद आपने इनको ट्रीट नहीं किया है तो मोस्ट ऑफ ट्यूबर्स को जर्मिनेट ही नहीं होते हैं, स्प्राउट ही नहीं होते हैं। तो उन स्प्राउट्स को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जिब्रेलिक एसिड से उनको ट्रीट करना पड़ता है, इथिलीन क्लोराइड से ट्रीट करना पड़ता है और थायोयूरिया। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नेट में जो लोग वेजिटेबल साइंस से नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत वरदान है ये वाला क्लास। इसमें बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपको मालूम है ग्रोथ अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, फॉर ब्रेकिंग ऑफ द डोरमेंसी इन पोटैटो कंपेयर द वेपर हीट, जो है दोस्तों जो वेपर ट्रीटमेंट होता है, वेपर ट्रीटमेंट विद द एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, तो जो वेपर हीट ट्रीटमेंट है उसको बीएचटी भी बोलते हैं, वेपर ट्रीटमेंट करते हैं 1 लीटर पर 20 क्विंटल। तो उसमें क्या है, जो है एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन कितना लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं 20 क्विंटल पोटैटो ट्यूबर के लिए, फॉलोड बाय द डिपिंग इन थायूरिया। और ये किससे बेटर है, 1% थायूरिया से बेटर रिजल्ट देता है। और इसको 1 घंटे के लिए इसमें डिप करके रखते हैं, किसमें, क्लोरोहाइड्रिन में 1 घंटे के लिए डिप करके इसको रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली इन जीए 1 mg/L फॉर 2 सेकेंड, इस ये भी किसके लिए, पोटैटो के लिए है। लेट्यूस इज अनदर वेजिटेबल इन बेस ट्रीटमेंट विद जीए हैज बीन रिपोर्टेड टू ब्रेक द सी डोरमेंसी इन द हाई टेम्परेचर। देखो ये जो है ना इंड्यूस बाय हाई टेम्परेचर, ये लेट्यूस का जो है ना, लेट्टू का सटाइवा, इसमें क्या होता है कि थर्मोडोरमेंसी होती है। कैसी होती है दोस्तों, थर्मोडोरमेंसी होती है, आप इसको याद कर लो, ये नेट में पूछा गया था जब मैंने नेट दिया था, थर्मोडोरमेंसी किसमें पाई जाती है, और जीआरपी पे भी पूछा गया था। तो थर्मोडोरमेंसी लेट्यूस में पाई जाती है। थर्मोडोरमेंसी मीन्स होती है जिसमें हाई टेम्परेचर के कारण डोरमेंसी होती है, हाई टेम्परेचर के कारण। तो दोस्तों जो किस है ब्रेक सी डोरमेंसी, देखो इसमें लिख रहा है इंड्यूस बाय हाई टेम्परेचर, जो लेट्यूस में जो डोरमेंसी पाई जाती है वो किसके कारण होती है, हाई टेम्परेचर के कारण होती है, जिसको हम किससे ब्रेक करते हैं, जिब्रेलिक एसिड से ब्रेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। और जिन लोगों को भी डाउट है वो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ही लीजिए। उसके अलावा भी आप ना इसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं, स्लाइड को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। सेक्स एक्सप्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होगा कुकुरबिट्स में इसके बहुत बड़ा रोल है। सेक्स एक्सप्रेशन मीन्स होता है दोस्तों
कि इसमें मेल एंड फीमेल का जब हम रेशो देखते हैं कि भाई किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे अगर बिना विदाउट ट्रीटमेंट हम देखते हैं तो कितना परसेंट मेल है कितना परसेंट मेल फीमेल फ्लावर है, क्योंकि जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वही फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। आप याद रखिए, जो जितने परसेंट फीमेल फ्लावर्स होता है वही फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट होता है, सॉरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो हमें ये चाहिए कि हमें फीमेल फ्लावर इंक्रीज करना हमारा टारगेट होता है मोस्टली। तो सेक्स एक्सप्रेशन द ट्रीटमेंट विद ग्रोथ रेगुलेटर्स हैज बीन फाउंड टू बी चेंज सेक्स एक्सप्रेशन कुकुरबिट्स ओकरा एंड पेपर। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि जो सेक्स एक्सप्रेशन है वो है कि सेक्स एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, ग्रोथ रेगुलेटर के थ्रू। किस में किस में, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स में क्या आते हैं अपने सभी कद्दू लौकी तोरई और अपना जो है गार्ड्स वगैरह आते हैं सारे, और जितने भी मेलोन्स वगैरह सभी किस्म आते हैं कुकुरबिट्स में आते हैं। ओकरा मीन्स भिंडी और पेपर, पेपर मतलब जो है कैप्सिकम, इसमें क्या करते हैं सेक्स एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने भी बहुत पहले इसमें ज़्यादा नहीं सुना इसके बारे में, लेकिन ये अभी नया है, इसमें आया है, कुकुरबिट्स में इसका कमर्शियल यूज होता ही है। तो GA3 जो है क्या 10 से 25 PPM कॉन्सेंट्रेशन भी आपको याद रखना है, या 10 to 25 PPM जो होता है, IAA 100 PPM, NNAA 100 PPM, वेन स्प्रेड टू 2 to 4 लीव्स स्टेज। दोस्तों जब हमारा खीरा ककड़ी अगर उगाता है तो 2 से 4 लीफ स्टेज जब हो तभी हमको इनको अप्लाई करना है। सबसे पहली बात, दे हैव बीन फाउंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। तो ये क्या करते हैं कि GA3 IAA NAA ये क्या करते हैं फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करते हैं, मीन्स ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली हमारे क्या है यील्ड इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे यील्ड इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों GA3 IAA NAA ये सभी क्या करते हैं कि फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करते हैं, इससे अल्टीमेट हमारी यील्ड बढ़ती है। जबकि GA3 1500 से 2000 PPM, सिल्वर नाइट्रेट 300 से 400 PPM एंड सिल्वर थायोसल्फेट 300 से 400 PPM स्प्रेड टू टू लीफ्स इन द मेल फ्लावर प्रोडक्शन। देखो GA3 का आप अकेले ऐसे रोल मत समझो, अगर GA3 का हायर कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे तो वो क्या करता है मेल फ्लावर को इंक्रीज करता है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो हाई टेम्परेचर जो होता है वो क्या करता है मेल फ्लावर को इंड्यूस करता है। ये इसमें मैंने आपको ग्रोथ रेगुलेटर्स के अलावा डाल दिया है कि जो हाई टेम्परेचर होता है वो भी मेल फ्लावर को इंड्यूस करता है हाई टेम्परेचर। जबकि अगर अपन लो कॉन्सेंट्रेशन GA3 रखेंगे तो फीमेल फ्लावर बढ़ाएगा, और हाई कॉन्सेंट्रेशन GA3 रखेंगे तो मेल फ्लावर को बढ़ाएगा। इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट बहुत पूछा जाता है एंड सिल्वर थायोसल्फेट, तो इसकी स्टेज पूछी जाती है कि इसको कितनी स्टेज पे हम स्प्रे करते हैं। तो दोस्तों 2 to 4 लीफ स्टेज करते हैं। अब इसके एग्जांपल आप फिर से देख लो, कुकुरबिट्स में करते हैं, कुकुरबिट्स में क्या क्या आते हैं हमारे, वाटर मेलन है, मस्क मोन है, बोटल गार्ड है, रिज गार्ड है, स्पॉन्ज गार्ड है, स्नेक गार्ड है, सारे गार्ड्स हैं, सारे पम्पकिंस वगैरह सभी इसमें आता है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए, आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे विशेष अनुरोध है, इसे बहुत शेयर करें जिससे हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम लोग मोटिवेट हों और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्थिनोकार्पी। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं पार्थिनोकार्पी में कैसे सहायक होते हैं। पार्थिनोकार्पी क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मीन्स सीडलेस जो बोलते हैं ना, सीडलेस जो फ्रूट होते हैं वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। कैसे सीडलेस जो होते हैं, जो सीडलेस जो होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं पार्थिनोकार्पिक होते हैं। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट इन कुकुम्बर। देखो दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है ना वो किस में प्रोड्यूस करता है, कुकुम्बर एंड वाटरमेलन। PCPA 10 से 100 PPM इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो एंड ब्रिंजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन नेट में बहुत बार पूछा गया है कि
कि पीसीपीए किसमें करता है, टोमेटो एंड ब्रिंजल में करता है, किसमें, टोमेटो एंड ब्रिंजल में पार्थेनोकार्पी करता है। एप्लीकेशन ऑफ 240, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बारे में। एप्लीकेशन 240 एट 2.5 ppm इन लेनोलिन पेस्ट, ये लेनोलिन एक पेस्ट में इसको मिक्स करके अप्लाई किया, टू कट एंड एंड ऑफ द स्टाइल और फोलियर स्प्रे ऑफ फ्रेशली ओपन फ्लावर क्लस्टर हैज बीन रिपोर्टेड इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। और ये क्या बोला है, जो टमाटर में और जो ब्रिंजल में क्या आएगा, 240 हम लोग किस पे इस पे करें, कट एंड ऑफ स्टाइल, जो स्टाइल का जो ऊपर इसको स्प्रे कर रहे हैं और फोलियर स्प्रे भी कर दें, तो इसके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है किसमें, पार्थेनोकार्पी में। आप समझिए टोमेटो एंड ब्रिंजल में पार्थेनोकार्पी किससे होती है, पीसीपीए से होती है, 240 से होती है। आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इसी में गेमिटोसाइड। गेमिटोसाइड क्या होते हैं दोस्तों, जो गेमिटोसाइड होते हैं वो क्या होते हैं, जो गैमिट को मार देते हैं, जो गैमिट को ख़त्म कर देते हैं, उनको गैमिटोसाइड बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे एक पेड़ में मेल और फीमेल फ्लावर हैं, अगर उनमें से मेल फ्लावर को मार दिया तो फीमेल फ्लावर बचेगा, तो ये स्पेसिफाई होते हैं, गैमिट्स को मार देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये अपन सीड प्रोडक्शन में बड़े सहायक और उपयोगी होते हैं। तो हमारा जो क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोसेस प्रोसेस गेमिटोसाइडल एक्शन टू प्रोड्यूस मेल स्टेरिलिटी इन दिस कैन बी यूज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो दोस्तों क्या होते हैं, जो पीजीआर होते हैं क्या करते हैं, मेल स्टेरिलिटी लाते हैं, मीन्स ये मेल गेमिट्स को मार देते हैं। अब ये मेल गेमिट्स अगर इसमें नहीं है तो प्लांट कैसा बन गया, पूरा टोटल फीमेल प्लांट बन गया। अब दोस्तों इसको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इजीली यूज कर सकते हैं, कैसे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं मेरे दोस्तों, कि अगर हमारे पास लाइन बना रही हमने कि ये फीमेल लाइन है, अब इस पे हम कोई मेल लाइन ले आए सही, जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे, और इन दोनों को सेम रो में अगर एक रो मेल के फीमेल के, मेल के फीमेल के लगा दी जाए, तो इसमें ऑटोमेटिक क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा और यहाँ पर तीसरी क्रॉप्स के अनवांटेड पोलिनेशन का चांस भी नहीं रहता है। तो जो पोलिनेशन के बाद जो प्रोजेनी बनेगी वो हेब बनी तो होगी। तो इस तरह से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो करते हैं ना, उसमें यही मेथड का यूज करते हैं, और बहुत कम कॉस्ट में लोग अच्छे क्वालिटी वाला सीड प्रोड्यूस कर देते हैं। मैलिक हाइड्राजाइड जो होता है, मैलिक हाइड्राजाइड एट 100 to 500 mg पर लीटर इन ओकरा, ओकरा पेपर एंड टोमेटो जी इन ऑनियन, ये क्या करते हैं, ये दोस्तों गेमिट्स को मारता है मेल खाइडर, किसमें, ओकरा में, पेपर में एंड टोमेटो में, तो ये और जी थ्री इन ऑनियन में, ये अलग अलग हैं दोस्तों, ये सभी मेल स्टेलाइज करते हैं। तो इसमें क्या है, ये बहुत उपयोगी होते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। 2,3-क्लोरो आइसोब्यूटायरेट, ये जो होता है 0.2% से 0.8% ओकरा, मस्कुलन ओकरा, ऑनियन, रूट क्रॉप्स, स्पेनिश एंड टोमेटो। तो दोस्तों ये जो है ना, इतने सारे में किसमें, ओकरा, मस्कुलन, ऑनियन, रूट, जो रूट क्रॉप्स में कैरेट, कैरेट है, रेडिश है, शलजम वगैरह में, स्पेनिश है, टोमेटो है, ये इनमें क्या करते हैं, इनमें ये जो है ना 2,3-क्लोरोआइसोब्यूटायरेट जो है ना गेमिट को मारता है, मेल गेमिट को। तो इससे मतलब बहुत अच्छा होता है, ये बहुत सहायक होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। एंड टीवा जो होता है ना, ट्रियाड जो है ना, कुकुम्बर, ओकरा, ऑनियन एंड टोमेटो में जो टीवा गेमिट को मारता है, मेल गेमिट को। तो दोस्तों ये आप अपने लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो गए, कि हमें भाई पहले क्या करते थे टमाटर में, कि एमेस्कुलेशन करते थे। तो एमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर और मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर। तो इससे क्या होता था कि हमें बहुत मेहनत लगती थी, बहुत लेबर होती थी, और बहुत कॉस्टली पड़ता था सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन।
और अभी क्या है, कोई नहीं, एक टीवा का स्प्रे मार दिया, कि जी थ्री का स्प्रे मार दिया, कि भाई एक मेल कैटरेस का मार दिया, सारा इमस्कुलेशन का झंझट खत्म। तो अब हमारे इसलिए जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी चीप और सस्ती हो गई है। GA3 at 100 ग्राम पर कैन आइस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग बिल स्टडी इन पेपर, जो है ना कैप्सिकम और अपनी चिल्ली में ये लोग GS जो से अपन बिल स्टडी लाते हैं। तो दोस्तों देखो हार्मोन्स का कितना बढ़िया है, हार्मोन्स ने लाइफ स्टाइल कितनी इजी कर दी है, लेकिन इनके कहीं ना कहीं टॉक्सिक इफेक्ट भी होते हैं। तो हमको इनको एक गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही यूज करना चाहिए। दोस्तों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में किस किस हॉर्मोन्स का कितना यूज होता है, अभी हम पिछले स्लाइड में ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पर क्या था, गेमिटोसाइट एक इफेक्ट था हॉर्मोन का, तो गेमिटोसाइट से हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ईजी हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ भी क्या पता, इथोफोन हैज बीन यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल लाइन इन सम कुकुरबिट्स। तो क्या है, जो इथोफोन है वो कुकुरबिट्स में क्या करते हैं, फीमेल लाइन इंड्यूस करने के लिए होता है। मीन्स ये क्या करता है, ये भी मेल को स्टेरिलिटी करता है। मीन्स इसमें जो इमेस्कुलेशन जरूरत नहीं होती है, इसमें मेल पार्ट स्टेरिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है, सक्सेसफुल हाइब्रिड इन बटर नट स्क्वैश हैज बीन मेड बाय यूजिंग फीमेल लाइन प्रोड्यूसिंग विद 10 वीकली स्प्रे ऑफ इथेफोन। तो इसमें क्या बोला है दोस्तों, कि जो बटर नट स्क्वैश जो होता है, स्क्वैश जो होता है उसमें क्या होता है कि यूजिंग फीमेल लाइन प्रोड्यूस विद 10 वीकली स्प्रे ऑफ इथेफोन। मीन्स इसमें वीकली स्प्रे ऑफ इथेफोन अगर अपन करते हैं तो इसमें फीमेल लाइन बन जाती है, जो इसमें क्या है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए इजी होता है। इजी ऐसे होता है दोस्तों, अब आपको हम समझाते हैं। मान लो एक जो फ्लावर है, एक फ्लावर है, इसमें ए और बी दो फ्लावर हैं, इसमें से एक मेल है और एक फीमेल है। अब मान लो अपन ने ये इसमें इथेफोन डाल दिया, तो ये जो मर गया, अब ये जो बचा फीमेल, अब इसमें क्या है, ये पूरी एक लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन को अगर हम स्विमिंग कर देंगे, लाइन मीन्स एक एक मटेरियल बन जाएगा, इनको लाइन बोलते हैं। तो ये इसमें मात्र फीमेल फ्लावर है, अगर ऐसे फ्लावर अगर फील्ड में है तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं फीमेल फ्लावर क्रॉसिंग के लिए। क्रॉसिंग में क्या होता है, ए इंटू बी होता है, ये ऐसे देख लो बी इंटू ए, क्योंकि इसमें बी फीमेल है अभी यहाँ, तो जो ए होता है, अब ए हम दूसरा लाइन लाएंगे कहीं से, तो ये इसके साथ फीमेल के साथ इजीली अपना क्रॉस करके क्या बनेगा, जो F1 बन जाएगा। तो दोस्तों ये सारा यहाँ पर प्रोसेस है इन कुकुम्बर। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैज आल्सो बीन यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ गायनोसियस लाइन। गायनोसियस लाइन कौन सी होती है दोस्तों, जिसमें गायनेशियम होता है। गायनेशियम क्या होता है, फीमेल लाइन जो होती है, गायनेशियस लाइन होती है। इन कुकुम्बर GA3 स्प्रे हैज बीन मेड टू इंड्यूस स्टेमिनेट फ्लावर इन गायनेशियस लाइन। तो दोस्तों ये जो कुकुम्बर है ना, इसमें GA3 क्या करता है, हैज बीन मेड टू इंड्यूस स्टेमिनेट फ्लावर इन कुकुम्बर लाइन। ये क्या होता है कि जहाँ पर फीमेल ओनली, अगर फीमेल फ्लावर होते हैं प्लांट में, और अगर हमने GA3 स्प्रे कर दिया तो क्या कर देता है, उसमें जो फीमेल फ्लावर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मेल फ्लावर में, स्टेमिनेट फ्लावर में। तो ये भी एक बहुत अच्छा यूज है। दूसरा क्या, सिल्वर जो नाइट्रेट होता है दोस्तों, क्या सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, सिल्वर नाइट्रेट एट 500 मिलीग्राम हैज बीन रिपोर्टेड टू बी एज ए इफेक्टिव एज ए GA3 इन इंड्यूसिंग मेल फ्लावर ऑन गायनोसियस लाइन ऑफ कुकुम्बर। तो दोस्तों इसमें भी सेम है, सिल्वर नाइट्रेट है ये 500 मिलीग्राम अगर हम डालते हैं तो GA3 की तरह भी ये भी क्या करता है, गायनोसियस लाइन इंड्यूस करता है, सॉरी मेल फ्लावर इंड्यूस करता है, किसमें, गायनोसियस लाइन में, कुकुम्बर के प्लांट में। तो ये भी दोस्तों एक सेक्स एक्सप्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया था ये सारा,
और ये सभी एक दूसरे के रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है अगर कोई भी पेपर सेट करता है बाहर से, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाउ एवर इन मस्क मेलन फुल स्प्रे ऑफ सिल्वर थायोसल्फेट एट 400 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर वॉज फाउंड बेस्ट फॉर द इंडक्शन ऑफ मेल फ्लावर इन गणेश लाइन। यहाँ पर बोला सिल्वर थायोसल्फेट, देखो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर थायोसल्फेट है, सिल्वर और GA3 है, ये सभी क्या करते हैं, मेल फ्लावर को इंड्यूस करते हैं। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं गणेश लाइन, तो इसमें अब इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सारे को क्वेश्चन में सेक्स एक्सप्रेशन में हम जो अभी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर सेक्स एक्सप्रेशन में इसको हम पढ़ चुके हैं, तो आप इसके लिए इतना टेंशन ना लो, इसको आप पीछे स्लाइड से पढ़ लो। और वैसे हमने इसमें डिस्कस आपको करा ही दिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा राइपनिंग, तो क्या दोस्तों इथोफोन, आपको तो मादा इथिलीन इथोफोन ये सब एक ही है, इनके ट्रेड नेम है। इथोफोन एज ए इथिलीन रिलीजिंग कंपाउंड हैज बीन रिपोर्टेड इन टू इंड्यूस राइपनिंग इन टोमेटो पेपर। दोस्तों इथोफोन किसी में भी राइपनिंग कर देता है, इसमें इतनी हीट होती है कि सब में राइपनिंग कर देता है, लेकिन रिकमेंडेड है टोमेटो इन पेपर के लिए। एप्लीकेशन ऑफ इथोफोन 1000 मिलीग्राम एट पर लीटर एट टर्निंग स्टेज ऑफ टर्निंग स्टेज इसकी एक स्टेज है टमाटर की, टर्निंग स्टेज ऑफ अर्ली अर्ली फ्रूट इंड्यूस अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट दस इंक्रीज द अर्ली फ्रूट यील्ड 32-35%। देखो ये बोल रहा है, ये इसमें ये बोला है इसने कि अगर हम 1000 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से टर्निंग स्टेज पर टमाटर में ये क्या इथोफोन अप्लाई कर देते हैं, तो 30-35% यील्ड बढ़ जाती है और अर्लीनेस भी बढ़ती है साथ में। तो ये क्या होता है, अपन कभी कभी बोलते हैं कि भैया हमारे खेत में टमाटर बहुत पक रहे हैं, क्या करें, तो भैया हम तो यही क्या चाह रहे हैं कि बाद में जाकर ना इथोफोन डाल दो चुपचाप, और कौ कौ से कहियो मत, ये बहुत डेंजरस होती है, तो कम से कम गवर्नमेंट ने तो कही है, तो कही डाल रही हो भैया, नहीं तो तुम ना समझ के पटक दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारा पोस्ट हार्वेस्ट ड्रिप ट्रीटमेंट विद इथेफोन एट 5 to 2000 मिलीग्राम पर लीटर हैज बीन रिपोर्टेड टू इंड्यूस राइपनिंग इन मैच्योर ग्रीन टोमेटो। दोस्तों इसमें वही बोला है कि पोस्ट हार्वेस्ट के मतलब हार्वेस्ट करने के बाद अगर हम इसमें ग्रीन टमाटर को इस केमिकल में डुबा देते हैं, तो ये मान लेना कि ये भी जल्दी पक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सीधी सीधे की बात है दोस्तों कि इसमें आर्टिफिशियल राइपनिंग की बात हो रही है, यहाँ पर आर्टिफिशियल राइपनिंग की हो रही है, यहाँ पर नेचुरल राइपनिंग की बात नहीं हो रही है। फ्रूट यील्ड इनहेंसर, दोस्तों देखो अभी आपको फ्रूट यील्ड इनहेंसर कैसे हुआ था, क्या जल्दी अर्लीनेस बढ़ रही थी, इतने सारे अपने अच्छा अर्ली जर्मिनेशन हो रहा है, तो ये सभी सोकिंग ऑफ सीड इन NOA एट 25-50 मिलीग्राम पर लीटर, GA एट 2-20 मिलीग्राम, 5-20 मिलीग्राम पर लीटर एंड सीपा एट 10-20 मिलीग्राम पर लीटर एंड 240.5 मिलीग्राम, ये सभी केमिकल्स हैं दोस्तों, ये सभी केमिकल्स हैं, ये किस किस में टोमेटो में क्या करते हैं, यील्ड को बढ़ाते हैं। अपन पहली स्लाइड में सबके बारे में लगभग लगभग डिस्कस कर चुके हैं, ये NOA नहीं दोस्तों NAA है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको समझिए कि ये इतने इतने जो कॉन्सेंट्रेशन अगर हम डालते हैं, क्या है NAA है, GA है, सीपा है, 240 है, अगर हम था यूरिया है, तो ये क्या है, ये सभी क्या करते हैं टमाटो में फ्रूट यील्ड को बढ़ाते हैं। ब्रिंजल में भी बढ़ाते हैं, कौन कौन सा NAA 0.2 ग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड ये नया आया है एक, इसको याद रखिए 250 मिलीग्राम एंड हैज बीन रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस हाई प्रोटील। तो दोस्तों ये प्रोटील बढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जिनके यूजेज और भी कई तरह के होते हैं, तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा, और मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ पढ़ते रहिए, जिनको प्यार से बुक से प्यार हो जाता है
उन नौकरी को नौकरी भी उनसे प्यार करने लगती है, क्योंकि जिसको नॉलेज होती है वो कहीं मात नहीं खा दे, इसीलिए बोलते हैं नॉलेज इज द पावर। तो दोस्तों विक्रम बेताल में बोलते थे उनके पिता के बेटा, सारे तालों की चाबी बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, इसीलिए विक्रम बेताल पर बहुत हमेशा जीत जाते थे। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, घर में रहिए प्लीज, कोरोना बहुत फैला है, बाहर नहीं जाइए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। आपसे विशेष अनुरोध है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप बाहर ना जाएं, अपने पड़ोस वालों को भी अगर कोई दिखता है तो उसको दूर से जागरूक करें कि आप बाहर ना जाएं, अति आवश्यक काम हो तभी बाहर जाएं। और इससे क्या होगा कि इससे एक हमारे समाज में एक जागरूक आएगा जिससे कि कोरोना को हम कंट्रोल करने में सहायक पाएंगे कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों कोरोना को कंट्रोल करने का एक ही मूल मंत्र है, सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर बोलते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जाने दीजिए और प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और आपको जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।